दोस्तों, देखिए हमारा आगे का वीडियो आपके सामने, और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखेंगे, हमको पढ़ना था, जैसे हम लोग व्याकरण के तीन अंग पढ़ चुके थे, पहला वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार, जिसमें हम लोगों ने व्याकरण के एक अंगों को पढ़ा, वर्ड विचार। दूसरा हमारा है शब्द विचार। देखेंगे इस शब्द विचार में शब्द को लेते हैं तो शब्द ये वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग वर्ण पढ़ चुके थे क ख ग घ अंग, तो ये वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप है। तो वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप ये वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला। जबकि ये वर्णों का सार्थक समूह हम ले ले ख और ग, तो ख और ग मिलके खग हुआ, खग बराबर पक्षी। इस तरह से वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है, जबकि वर्णों का सार्थक समूह ये शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के बाद पद की बात आती है, तो शब्द को ही हम पद कहते हैं। शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। यानी शब्द और पद में कोई विशेष अंतर नहीं है, शब्द को ही पद और पद को ही शब्द कहते हैं। वाक्य में गया तो ये शब्द पद बना, और वाक्य से अलग हुआ तो यही शब्द बना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कह दिया सदा सत्य बोलो। ये देखिए तीन शब्द हैं और तीनों मिलकर ये पदों मतलब एक वाक्य का निर्माण कर दिए, तो ये तीन पद बन गए, एक पद, दो पद और तीन। इस तरह से वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। शब्द को ही पद कहते हैं, शब्दों का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिए शब्द के भेद। तो सामान्यतया शब्द के मुख्यतः दो ही भेद हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। ये नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक मतलब अर्थ सहित और निरर्थक मतलब अर्थ रहित। ये सार्थक का विलोम भी है, सार्थक का विलोम निरर्थक। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया चाय और यहाँ वाय, चाय तो सार्थक है लेकिन वाय निरर्थक है। लेकिन हम मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी है कि किसी भी सार्थक शब्द के साथ यदि निरर्थक शब्दों को रखते हैं तो इस निरर्थक शब्द का भी अर्थ हम लगा लेते हैं वगैरह वगैरह से। जैसे मान लीजिए हमारे घर के लोग कहते हैं कि थोड़ा चाय वाय लेते आइए, तो चाय तो हमको समझ में आता है, वाय का मतलब होता नहीं है, लेकिन हम लोग लगा लेते हैं कि वाय का मतलब बिस्किट या नमकीन वगैरह जो भी लाना है। आगे चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, देखिए शब्दों का वर्गीकरण ये पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति, इसी को स्रोत भी कहते हैं, इसी को इतिहास भी कहते हैं। यानी दूसरा उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण। इसके बाद है व्युत्पत्ति, इसको रचना भी कहते हैं और इसी को बनावट भी कहते हैं। इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
अगला है प्रयोग, इसी को विकार भी बोलते हैं, इसी को रूपांतरण भी बोलते हैं। प्रयोग, विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद या शब्द का वर्गीकरण। और उसके बाद है शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। जबकि हमारी परिभाषा ये कह रही है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, कहीं भी निरर्थक का जिक्र नहीं है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के ये चार भेद माने जाते हैं। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है विलोम या विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द, चौथा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्द के ये मुख्यतः चार भेद हैं। इसके अलावा हम और कुछ आप लोग को बता देते हैं, समोच्चारित या श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द यानी जो सुनने में समान रहें लेकिन अर्थों में भिन्नता पाई जाए। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ध्यान देंगे शब्द के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर ये मुख्यतः चार ही भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी। ध्यान देंगे उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, जिसमें सबसे पहले तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज या देशी शब्द, चौथा है विदेशज या आगत शब्द, और एक इसमें हम और पढ़ते हैं संकर शब्द मतलब मिला हुआ होता है। अभी आगे हम एक एक करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। प्रयोग, विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी है और दूसरा अविकारी। इसी अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। बहुत ही आसान है ये, विकारी शब्दों की संख्या चार, अविकारी या अव्यय शब्दों की संख्या भी चार है। इसमें विकारी में सबसे पहले संज्ञा है, उसके बाद सर्वनाम है, उसके बाद विशेषण है और उसके बाद क्रिया है। ये चार शब्द विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसमें देखिए पहला अव्यय क्रिया विशेषण है, दूसरा अव्यय संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक है, चौथा विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक। मुख्यतः ये चार ही होते हैं, लेकिन इसमें हम एक और आप लोग को पढ़ाएंगे, निपात अव्यय।
ये शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, जिसमें सबसे पहले है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ये अभिधा को वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षणा को लक्षणार्थ कहते हैं और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्द को ही पद कहते हैं, शब्द के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, सार्थक या निरर्थक। शब्दों का वर्गीकरण ये पांच प्रकार से होता है, जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति अथवा स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर, प्रयोग विकार या रूपांतरण के आधार पर, और अगला है शब्द शक्ति के आधार पर। ध्यान देंगे, एकार्थी मतलब एक ही निश्चित अर्थ को दे, ऐसा शब्द जिसका एक ही कोई निश्चित अर्थ हो एकार्थी कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया पेड़, पेड़ का कोई अन्य अर्थ नहीं है। अनेकार्थी मतलब शब्द एक ही हो, परिस्थिति बस उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया चंचला, शब्द एक ही है, देखिए चंचला मने बिजली, चंचला मतलब स्त्री, चंचला मतलब लक्ष्मी। ध्यान दीजिएगा, चंचला चंचला ये तीनों है, बिजली भी है, स्त्री भी है, लक्ष्मी भी है, यानी ये शब्द एक ही है लेकिन इसके परिस्थिति बस अलग अलग अर्थ है। और चंचला से आप लोगों को सावधान भी रहना है। आगे चलेंगे, ये विलोम, विलोम या विलोमार्थी या इसको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे परस्पर विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। शब्द यदि तत्सम होगा तो उसका विलोम तत्सम होगा, शब्द यदि तद्भव होगा तो उसका विलोम तद्भव होगा, शब्द यदि विशेषण होगा तो उसका विलोम विशेषण होगा। सीधे से हम लोग आगे एक एक इनको चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में हम आपको एक बार व्यवस्थित समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिया सार्थक का विलोम निरर्थक, आगे बढ़ेंगे ये समानार्थी या पर्यायवाची। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम ले लिए पानी, तो पानी को कहेंगे जल, अंबु, नीर, सलिल, तोय इत्यादि, ये पानी के पर्यायवाची हैं। और अनेक अर्थी चलेंगे तो पानी के, एक पानी का अर्थ होता है चमक, एक पानी का अर्थ होता है इज्जत, एक पानी का अर्थ होता है जल। आगे बढ़ेंगे, समोचरित या श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को जानना चाहिए। जैसे देखिए हमने एक यहाँ शब्द लिया है शंकर, एक और लिख दिए शंकर, ये देखिए दोनों लगभग समान है लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता है। शंकर मतलब मिला हुआ और इस शंकर मतलब महादेव। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लेते हैं जरा, आ एक और शब्द लेते हैं जरा, तो ये देखेंगे जरा मने बूढ़ा होता है और ये जरा मने थोड़ा होता है। एक गाना भी आप लोग सुने होंगे, पास हो आने लगे जरा जरा, तो ये वही गाना है जरा जरा, यानी ये जो बुढ़ापा है वो जरा जरा करके ही, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही आता है। ये समोचरित और श्रुति समभिन्नार्थक होते हैं, जो सुनने में लगभग समान हो किंतु इनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए। आगे देखेंगे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। पेट में लगी अग्नि जठराग्नि या जठरानल, जंगल में लगी अग्नि दावानल या दवाग्नि, समुद्र में लगी अग्नि बड़वानल या बड़वाग्नि, ये अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ देखेंगे तत्सम मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। बदलेंगे नहीं, संस्कृत के शब्द हिंदी में उसी रूप में आए वही तत्सम होंगे। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। एकदम व्यवहारिक प्रयोग में तत्सम तद्भव समझिए, आम बोलचाल की भाषा का शब्द होगा तो तद्भव होगा और आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा अलग होगा तो तत्सम होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग हल्दी, हल्दी सब लोग बोलते हैं, कोई हरिद्रा नहीं बोलता,
बारात सब लोग कहते हैं बारात आ रही है, बारात आने वाली है, कोई इस बारात को वर यात्रा नहीं कहता। तो ये आपके आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और ये अपने बदले हुए रूप के शब्द हैं। तो आम बोलचाल की भाषा का शब्द तद्भव और अपने बदले हुए रूप में शब्द हों तो तत्सम कहलाते हैं। आगे ये देशज या देसी शब्द यानी जो अपने देश की बोलियों से हिंदी में आ चुके हैं उनको देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया डिब्बा, जूता, खिड़की, पगड़ी और अभी टेट 2018 में आया था धड़ाम, तो धड़ाम शब्द भी देशज है। हम जैसा कि आप लोगों को बोली में बता भी चुके हैं कि देश जो बोली होता है उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, तो देशज शब्द उन बोली के ही होते हैं, वो आ करके हिंदी में प्रसिद्ध हो गए। विदेशज या आगत जो अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आ गए हों विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आपके अंग्रेजी के हो सकते हैं, फारसी के, तुर्की के, अरबी के, पश्तो, जापानी इत्यादि के शब्द हो सकते हैं। शंकर मतलब मिला हुआ, जिसमें दो भाषाओं के मिले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रेलगाड़ी, ये देखिए गाड़ी देशज है और ये रेल अंग्रेजी है, तो दो भाषाओं से मिले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। इसमें ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा हाल, पाव रोटी इत्यादि ये आपके शंकर शब्द। आगे बढ़ेंगे व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर। सबसे पहले रूढ़ है, रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द ऐसे शब्दों के खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम आपको यही लिख दें, हमको एक शब्द लिखना है राम, तो ये राम मूल शब्द है क्योंकि इनका खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक पदखंडों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए राजकुमार, तो राजकुमार में एक राज पद है, एक कुमार पद है, दो पद मिले हुए हैं तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द ये भी दो या दो से अधिक पदखंडों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ की विशेषता बताते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि बहुव्रीही समास के जो उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें लंबोदर, इस लंबोदर में एक शब्द लंब है और दूसरा उदर है, यानी दो पद हैं एक लंब एक उदर और दोनों बन गया लंबोदर, लेकिन लंबोदर कौन है तो गणेश है। तो देखिए मूल शब्द रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक पद खंडों से मिलकर बने होंगे यौगिक, और दो जो शब्द दो या दो से अधिक पद खंडों से मिलकर बने होंगे लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करेंगे तो योग रूढ़ कहलाएंगे। यहाँ आएंगे विकार मने होता है परिवर्तन, अविकार मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो, अव्यय मतलब होता है जिसका कुछ भी व्यय न हो यानी कुछ भी खर्च न हो। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाए वो विकारी कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदले वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम यहाँ लेते हैं लड़का, लड़का का यदि लिंग परिवर्तित करें तो ये लड़का का स्त्रीलिंग लड़की और लड़का का बहुवचन लड़के, चूंकि ये लड़का संज्ञा है तो देखिए इसके लिंग में परिवर्तन हुआ, वचन में परिवर्तन हुआ। ये कह रहा है कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाए वो विकारी कहलाते हैं, यानी संज्ञा का लिंग और वचन परिवर्तित हो जाता है। सर्वनाम में देखेंगे हम एक शब्द यही लेते हैं हमारा, हमारा इसका लिंग परिवर्तन करें तो हो जाएगा हमारी और वचन परिवर्तन करें तो हमारे, यानी ये हमारा, हमारी, हमारे, ध्यान देंगे इसका भी लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हुआ, इसलिए सर्वनाम भी विकारी है। विशेषण एक शब्द देखेंगे
ये विशेषण, विशेषण एक शब्द लेते हैं काला, इसका लिंग परिवर्तन करें तो काली, और वचन परिवर्तन करें तो काले। इस प्रकार से ये विशेषण के लिंग में भी परिवर्तन, यानी विशेषण का लिंग वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी कहलाता है। क्रिया को देखेंगे तो जाता, स्त्रीलिंग बदलेंगे तो जाती, अभाववचन में जाएंगे तो जाते, ये जाता जाती जाते, खाता खाती खाते, आता आती आते, यानी पुलिंग, स्त्रीलिंग और अभाववचन। इस तरह से जिन शब्दों के रूप लिंग वचन तथा कारक के आधार पर बदल जाए विकारी कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप लिंग वचन तथा कारक के आधार पर न बदलें अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिख दें, राम ऊपर बैठा है। अब सिंपल सी बात है कि राम की विशेषता नहीं बताई जा रही है, राम बैठा है, बैठा कौन है, राम है, लेकिन इसके बैठने की, कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, ऊपर ऊपर बैठा है, बैठा है ऊपर, ऊपर बैठा है, ये ऊपर आपका क्रिया विशेषण है। यदि हम यहाँ राम को हटा के यहाँ सीता लिख दें तो सीता ऊपर, अब यहाँ भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, तो संज्ञा में बदलेगा, क्रिया बदलेगा, लेकिन ये क्रिया विशेषण जो अव्यय है इसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं होगा। ध्यान देंगे इसके बाद वाला जो है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, हम लोग आगे एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो और बेस्ट होगा, आप लोग को एकदम व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। और यदि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ये संबंध बोधक अव्यय संबंध का बोध कराता है। जैसे यही सेंटेंस हम लिख दें, राम पेड़ के ऊपर बैठा है, राम पेड़ के ऊपर बैठा है। ध्यान देंगे, राम बैठा है, कहाँ बैठा है, बैठा है कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, किसके ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर, यानी के ऊपर का संबंध किससे है, पेड़ से। ये के ऊपर का भी न पुलिंग होगा, न स्त्रीलिंग होगा, न एक वचन होगा, न बहुवचन होगा। यहाँ हम बदलेंगे, यदि कर्ता को बदलें, क्रिया को बदलें, तो इनमें बदलाव हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने वाला अव्यय होता है, जो शब्दों पदों तथा वाक्यों को जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें, इसी को मिटा के यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा और थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें, राम और श्याम भाई हैं। आप ध्यान देंगे तो ये राम श्याम, इन दोनों लोगों को जोड़ने का काम कौन किया, और ये और का न पुल्लिंग होगा, न स्त्रीलिंग होगा, न एक वचन, न बहुवचन, क्योंकि ये एक प्रकार का अव्यय है और ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय इससे भी आसान है। हम लोग के मन के जितने भी भाव हैं, चाहे वो शोक के रूप में निकले, हर्ष के रूप में निकले, इत्यादि, मतलब जो भी मन के भाव बाहर निकलते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम और लिखते हैं, छी कितनी बदबू आ रही, बदबू आ रही है। ध्यान देंगे, ये सब आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी हुआ, वाह हुआ, ओहो हुआ, राम राम, अरे वाह, जय, धन्य, इत्यादि ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। इनका भी पुलिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये अव्यय शब्द हैं। हमने ऐसा भी नहीं कहा कि इसका अर्थ नहीं होता है, अर्थ तो होगा इनका, लेकिन केवल बदलाव नहीं होगा, किस आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार। आगे चलेंगे, ये निपात अव्यय किसी शब्दों पर विशेष प्रकार का बल देता है, इसलिए इसको बलार्थक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें, वह कटोरा भर दूध पीता है,
तो देखिए इसमें ये भर क्या कर रहा है, पूरे कटोरे पर बल दे रहा है, कटोरा भर कटोरा भर। तो ये कटोरा भर किस प्रकार का अव्यय है, निपात अव्यय। निपात अव्यय जैसे कटोरा भर हुआ, दिन भर हुआ, अभी सा भर तक ही भी मात्र, तमाम है अव्यय, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखिए शब्द शक्तियाँ जो शब्दों को संचालित करती हैं, आवेदा को वाच्यार्थ कहते हैं, यानी कोई वक्ता अपनी बात इसमें सीधे सीधे तौर पर कहता है। लक्षणा को लक्षणार्थ कहते हैं जिसमें लक्षण दिखाया जाता है, और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहते हैं जिसमें व्यंग किया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखेंगे, हम कहें सागर पर नगर, तो सागर पर नगर संभव नहीं हो सकता, लेकिन इसमें लक्षण दिखाया गया है कि सागर के किनारे पर नगर। व्यंजना में जैसे एक चोर अपने दूसरे चोर साथी से पूछता है रात कितनी अंधेरी है, तो चोर ही चोर से पूछता है रात कितनी अंधेरी है। इसमें एक चोर दूसरे चोर से व्यंग किया हुआ है, और चोर के पूछने का यह भी मतलब नहीं है कि कितने बजे, चोर के पूछने का यह मतलब है कि चोरी के लिए रात शानदार है या नहीं। आगे अविधा में सीधी सीधी बात रखी जाती है, जैसे वह पढ़ता है, खाता है, रोता है, सोता है इत्यादि। दोस्तों ये यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक वाइज, इसमें से पढ़ेंगे थोड़ा सा भी, कुछ चीज़ें हमने छोड़ा भी है, क्योंकि ये जो देखिए व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद तीन हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, यही शब्दों की रचना भी चार प्रकार से होती है, एक संधि द्वारा, दूसरा समास द्वारा, तीसरा उपसर्ग द्वारा, और चौथा प्रत्यय द्वारा। ध्यान देंगे, यानी ये चार चैप्टर भी आपके इसी शब्द के हैं, और यहाँ तीन चैप्टर देखिएगा, लिंग, वचन, कारक, और एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित काल को। यानी ये हिंदी का एक तरह से समझा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है शब्द विचार, जिसमें ये हम लोग को एकार्थी, मतलब कुछ भी चीज़ें इसमें छोटी नहीं है। हम आपको व्यवस्थित एक एक इसमें से चैप्टर वाइज, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि, निपात, और ये हम लोग आपको पढ़ेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। यदि वीडियो अच्छा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम वादा करते हैं कि आपको पूरे YouTube में सबसे बेस्ट वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो।